मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। मेरी मति और गति सिर्फ और सिर्फ आपको समर्पित है। मैं सिर्फ आपका हूँ, मेरा कुछ भी नहीं है जी। मैं थोड़ा सही और मजाक में माइक, आप कहते हैं मति और गति, क्या कहा दोबारा दोहरा दें। मेरी मति और गति सिर्फ और सिर्फ आपको समर्पित है। हाँ, मैं समर्पित है, ठीक है। और बाद में मैं बाद में बोला मेरा कुछ भी नहीं है, सब आपका है। देखो साधको, फिर सुनो, ऐसे रायवाला में भी किसी ने कुछ कहा था, है कोई, किसी को याद है कोई ऐसा भी साधक जिसको याद हो? याद है, मुझे भी याद है गुरु जी। याद है, अच्छा अच्छा इसका मतलब थे आप, तो अब सोच लो। और बाद में हालांकि पुणे में शायद मैंने उनकी कुंडली नाभि चक्र तक कर दी थी, लेकिन उनका ये है कि एक जगह ठहरे नहीं, इधर उधर नहीं कहते कि ये गुरु वो गुरु। ऐसा भी साधकों को नहीं करना चाहिए कि ढेरों गुरुओं के पास भाग रहे, उधर हो रहा उधर चले गए, ये तो मन की चंचलता हो गई। एक गुरु जल्दी मत बनाओ, कोई जल्दी नहीं है, देर बनाओ सोच समझ के, ठोंक बजा कर। उसे तो ठोंक बजा के नहीं सकते, अपने मन को ठोंक बजा के तब निर्णय लो। अगर निर्णय ले लिया है तो थोड़ा स्थायी भी रहो। वो मान लो उसका मार्गदर्शक क्यों कर रहा है ऐसा, मतलब थोड़ा समय उसे दो। मान लो कोई वो अपनी जीवन में हरकत कर रहा, क्या कर रहा, अपना अपना तरीका होता है, तुरंत उसे प्रमाण पत्र मत दो कि आप योग्य नहीं है। कहने का मतलब आपने कहा जो कुछ है मेरा है, ये तो आप गुरु जी भाव है ये देख लो। हमारे यहाँ मतलब यहीं पे आपके गुरु भाई बहन यहीं पे उपलब्ध हैं, कहीं ऐसा ना हो सड़क पे सूट केस लेके बैठ जाएं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो कुछ है आपका। नहीं, शाम को होती है जब आरती करते हैं घरों में। हाँ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बताओ लोग भगवान से भी झूठ बोल देते हैं, कहाँ अर्पण है। अर्पण करो तो सही, तब कुछ नहीं करते हैं। तब अगर पड़ोसी का भैया जरा 100 रुपये देना मुझे जरूर कर, मेरे पास नहीं है 100 रुपये, वो उधार भी देने को तैयार नहीं है। तेरा तुझको कहाँ अर्पण है गुरु जी, हम सभी दिए। चलो छोड़ो, वह मजाक की बात है, मुझे सोचने पे मजबूर मत करो। अगर ऐसा हो ना तो मेरे लिए कुछ नहीं, अभी बिठा के मैं कह दूं ब्रह्मरंध्र खुल जा, कंठ तो कंठ है, ब्रह्मरंध्र भी खुल जाएगा। और नेकलेस का कुछ ज्यादा हो गया था, आपको कंट्रोल करके करूँगा कि आपको महसूस भी हो। वो गुरु जी आपका प्रेम ही है जो आप बोल आप बताते हो, जैसे ठोक बजा के। घड़ा टूटना नहीं चाहिए, घड़ा मजबूत होना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, अभी तो ये हंसी मजाक का था। हमारा सिर्फ कहने का सार ये है कि हम कह तो देते हैं ईश्वर के सामने तेरा तुझको अर्पण, मगर हम ऐसा कर नहीं पाते हैं। ठीक है, हम इतने आशक्ति में बंधे हैं, किसी दूसरे ने नहीं बांधा, हमने अपने आप को बांधा हुआ है कि हम उस आसक्ति यानी बंधन को हम तोड़ नहीं पाते हैं या खोल नहीं पाते हैं। और ये धीरे धीरे जो हम अभ्यास कर रहे हैं उसी बंधन को खोलने के लिए कर रहे हैं। जब आगे बढ़ते जाएंगे धीरे धीरे कुंडलनी जागृत, कुंडलनी कोई हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन वो वहाँ जब आगे बढ़ेंगे तो जागृत होगी होगी। क्या भक्तों की नहीं होती है? मैंने देखा और तो और जो शास्त्रीय संगीत वाले होते हैं उन्हें भी है, अच्छे जो गायक होते हैं उनकी भी कुंडलनी जागृत हो जाती है। बहुत ज़्यादा ऊर्ध नहीं होते अब, लेकिन उन्हें नहीं पता लगती क्योंकि वो उनके क्षेत्र की बात नहीं है, तो वो एक अलग चीज़ है। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हमें गहराई में जाएं और आंतरिक विकास करते चले जाएं। ठीक है,
और ये त्याग धीरे धीरे आता जाता आता जाता, जब तक होगा नहीं तो आगे का विकास नहीं होगा। यानी क्रम बाय क्रम धीरे धीरे होता, हमारे यही कर्म है पूर्व काल के, वही और उधर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी साधक के अंदर या भक्त के अंदर ऐसा भाव होना चाहिए। चलो अच्छी for watching. Remember to like, comment, and subscribe. Thank you.